प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में दो दिन के लिए ड्रोन, पैरालाइडिंग या ऐसी कोई भी चीज उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। 9 और 10 जून के लिए ये पाबंदी लागू होगी। इसके साथ ही धारा 144 भी दिल्ली में लागू कर दी गई है। निर्दलीय जीत के बाद पप्पू यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान गठबंधन को लेकर अपना स्टैंड साफ किया है। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि इंडिया या एनडीए गठबंधन में जाने की बात चल रही है, इसे पप्पू यादव ने सिरे से नकार दिया है। पप्पू यादव ने स्पष्ट कहा कि मैं एनडीए का विरोध करता हूं। पवन कल्याण ने शुक्रवार को संसद में एनडीए के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी, आप वास्तव में देश को प्रेरित करते हैं। जब तक आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारा देश कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। दिल्ली मेट्रो के प्रवक्ता अनुज दयाल के मुताबिक दिल्ली मेट्रो फेज 4 का पहला 3 किलोमीटर का एक खंड अगस्त में यात्रा के लिए खुलने जा रहा है। मेट्रो फेज 4 के जनकपुरी पश्चिमी से आर के आश्रम कॉरिडोर के बीच इस 3 किलोमीटर के खंड पर कुल 2 स्टेशन होंगे। इस लाइन पर सिविल वर्क पूरा हो चुका है। जल्दी जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के साथ मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर को सुरक्षा जाँच के लिए आवेदन किया जाएगा। सीएम योगी ने 1 जुलाई से होने वाले बदलावों को लेकर अफसरों संग चर्चा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय न्याय संहिता से जुड़े 3 नए कानूनों को लागू करने पर जोर देते हुए कहा कि कोर्ट में पेशी के लिए हर जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा होनी चाहिए। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत को CISF जवान कुलविंदर कौर द्वारा मारे गए थप्पड़ की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। अब इस मामले में भारतीय क्रिकेटर टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां भी सामने आई। हसीन ने कुलविंदर की प्रशंसा की और साथ ही कंगना को गलत टिप्पणियों से बचने की हिदायत भी दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने खुशखबरी सुनाई है। IMD का कहना है कि पूरे उत्तर भारत को अब जल्द ही राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 जून तक उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मानसूनी बारिश शुरू हो जाएगी। दिल्ली में अवैध डेयरियों के खिलाफ MCED ने सख्त रुख अपनाया है। कुल 135 अवैध डेयरियों को सील किया गया है या इन्हें बंद करा दिया गया है। इन्हें हटाने का सिलसिला निरंतर जारी है। दूसरी ओर पशु चिकित्सा विभाग ने ग्रामीण इलाकों में भारी संख्या में अधिकृत डेयरियों को नए लाइसेंस देकर इनके संचालकों को नियमों का अनुपालन करते हुए अपनी इकाई का संचालन करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के नरेला में एक दाल मिल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 6 गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम के साथ दमकल विभाग के कर्मचारी तत्काल मौके पर पहुंचे और आग को काबू में पाया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने लगी होर्डिंग इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। होर्डिंग में लिखा गया है कि सबके श्री अखिलेश, अयोध्या के अवधेश। बता दें कि होर्डिंग अमेठी के सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव ने लगवाए हैं।